नमस्कार दोस्तों, कल हमने एक वीडियो देखा और हमको भी इसी बात का डर था। ये माननीय अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हैं और इन पे किसी सरफिरे ने कुछ ऐसा वीडियो बना दिया था। आज रात तू भड़ना चाहिए बुरे डिंपला लवड़े ने भोजन। दोस्तों, भोजपुरी के एक सुपरस्टार हैं जिन्होंने गाना गाया है और गाने में कई लड़कियों के नाम हैं, जैसे डिंपल, पायल। अब आपने देखा होगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार लड़कियों का नाम लेके गाना छोड़ दिए हैं, लेकिन इन्हीं को बहुत ज्यादा फेमस होने का भूत सवार है, इसलिए ये लड़कियों का नाम लेके गाना गा रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मगहिया जवान के कान में जैसे ये गाना पहुंचता है, वो इस पे एक एपिसोड लाते हैं। एपिसोड जैसा ही वो पहले बनाते थे वैसा ही बनाते हैं और टुनटुन यादव को सो कॉल्ड रेल देते हैं। फिर क्या था, टुनटुन यादव को भी उतनी तगड़ी मिर्ची लगती है और वो एक गलती कर बैठते हैं और उससे भी ज़्यादा अश्लील गाना लेके आते हैं, जो कि अब यूट्यूब से डिलीट तो हो गया है, लेकिन उसका मतलब क्या था वो हम आपको बताते हैं। उनका ऐसा कहना था कि डिंपल अगर नाचने वाली है तो उसको तो रात भर नचाएंगे ही, पायल अगर नाचने वाली है तो उसको तो हम नचाएंगे ही। अब जरा गौर कीजिए, अखिलेश यादव की पत्नी का नाम जो है वो डिंपल यादव है। उत्तर प्रदेश में उनके बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले हैं। अब किसी सरफिरे ने कुछ ऐसा वीडियो एडिट कर दिया था। अब जरा बताइए कि क्या टुनटुन यादव इतने बड़े रंगबाज हैं क्या कि वो अखिलेश यादव की पत्नी को रात भर नचवा देंगे, या फिर आपके घर में अगर किसी लड़की का नाम पायल है, डिंपल है, तो क्या ये इतना बड़ा रंगदार है कि पायलवा को और डिंपलवा को रात भर नचाने की ये क्षमता रखता है? हटाइए इस शैतान को अपने अंदर से, इस समाज से, नहीं तो पवित्र जगह नरक हो जाएगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, उस गाने में ये भी कहा जाता है कि जब मैं ये गाना गाया हूँ तो मगहिया जवान जो है वो डिंपल के भाई हैं, पायल के भाई हैं, और इनको बड़ा बुरा लग जाता है कि इनके पाहुन ने ऐसा कुछ गाना गा दिया। अब जरा सोचिए कि किसको बुरा नहीं लगेगा अगर वो अपने समाज की बेटियों को बेटी मानता है, समाज की बहन को बहन मानता है। इसका आपको बेस्ट और जीता जागता एग्जाम्पल दिखाते हैं। हाल ही में खेसारी लाल यादव की बेटी पे एक गाना लाया गया था और उसमें कुछ नहीं था, बस इतना कहा गया था कि खेसरिया की बेटी सपनवा में आती है। लगाना भाई वो गाना, और फिर क्या था, खेसारी लाल यादव, विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप और पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है, उस लड़का पर भीड़ के उसको पीट दिया गया और उसको सुपरस्टार बना दिया पीट पीट के, ताकि आगे से कोई इस तरीके की गुस्ताखी ना करे। खेसारी लाल यादव की बेटी को सपने में नहीं लेके आए, तो मान सम्मान और बेटी के लिए इस हद तक लड़ाई हो जाती है। लेकिन यही आपके घर की जब बेटी की बात आती है, आपके घर की जब पायल की बात आती है, आपके घर की जब डिंपल की बात आती है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से उससे रात भर नचवाने के लिए तैयार हैं, रात भर उसके साथ मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि टुनटुन यादव जो है वो सो कॉल्ड बहुत ज्यादा रंगदार है। शर्म करो, भगवान से डरो भोज। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा नहीं लगता कि इसको भी नाम लेके गाना गाना छोड़ देना चाहिए, जो इन दिनों बिहार का सबसे बड़ा चोर है, जिसको आज तक से लेके जनता जंक्शन ने भी चोर का ठप्पा लगा दिया है माथे पे, इंक्लूडिंग मी। चलिए, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि टुनटुन यादव ने बहुत गलत किया, इस तरीके का गाना गा दिया, नहीं गाना चाहिए। लेकिन मगहिया जवान ने क्या सही किया, वो इस तरीके का कुछ गाना गा रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, ये भी गाना गलत हो सकता था कब, जब टुनटुन यादव के विरोध करने में किसी लड़की का नाम लिया जाता। अब आप ही बताओ ना, टुनटुन यादव का जिससे शादी होने वाला है उसका नाम पूजा है, तो अगर कोई गाता है कि पूजवा कंट्रोल कंट्रोल, तो समझने की कोशिश कीजिए। इस गाने में इसके पत्नी का नाम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सब लोग इसके तरह गमार नहीं है कि बाप मतारी पैदा करके छोड़ दिया और ये किसी के बेटी को नचा रहा है, तो किसी के बाप के सामने ये रंगदारी दिखा रहा है। अबे, एक बित्ता का भर बितना कोई अच्छा काम कर ले बे। खैर, उम्मीद है ये मामला पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।